अरे भाई कहाँ है क्यारा, देखिए क्या हो रहा है यहाँ। खुलेआम इश्क मोहब्बत प्यार, क्या यही देखना बाकी रह गया था? लगता है पति हाथ से निकल गया। गुलाबी शहर में क्या पहुंचे, दिल भी गुलाबी गुलाबी हो गया। सबसे पहले तो इस लड़की को कोई समझाए, सिद्धार्थ का हाथ तो ऐसे पकड़ा है मानो क्यारा के नहीं इन्हीं के पति हो। छोड़ेंगे नहीं बेटा क्यारा आडवाणी आपको। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। फिल्में चले ना चले, लाइम लाइट बनी रहनी चाहिए। अब सिद्धार्थ मल्होत्रा को ही ले लीजिए, जयपुर में ऐसी लाइम लाइट बटोरी कि वापस लौटने पर पत्नी क्यारा सीधा बेलन और चिमटे से स्वागत करेगी। अरे हाँ, हंसिए मत, अभी तो हमने आपको दिखाया, उसके बाद तो सिद्धार्थ की खैर नहीं। घर पहुंचकर शानदार स्वागत होगा, वो अलग लगता है, सिद्धार्थ का बुरा वक्त चल रहा है। अब समझ आया कि हमने क्यों कहा कि सिद्धार्थ का बुरा वक्त आ गया है। अब देखिए, सिद्धार्थ की पिछली फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स तो कुछ खास चली नहीं, लेकिन योद्धा को लेकर रिलीज से पहले ही सुर्खियों में आ गए हैं। फिल्म को लेकर नहीं, इस हैंड इन हैंड कंट्रोवर्सी को लेकर। सिद्धार्थ और राशि फिल्म के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे। यहाँ मणिपाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बीच इन एक्टर्स ने अपनी फिल्म का प्रमोशन किया, मगर इस प्रमोशन के बीच इनका एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देख क्यारा के फैंस नाराज हो गए हैं। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में सिद्धार्थ और राशि हाथ में हाथ डाले चलते नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, लेकिन कैमरे को देखते ही सहज हो गए, लेकिन फिर अपनी गलती सुधारते हुए एक दूसरे का हाथ फिर से थाम लिया। हालांकि फैंस को सिद्धार्थ का क्यारा के अलावा किसी और एक्ट्रेस के साथ क्लोज होना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उनके फैंस थोड़ा नाराज हो गए। फैंस का नाराज होना बनता ही है। पहले तो राशि ने सिद्धार्थ के हाथ में अपना हाथ डाला, फिर सिद्धार्थ ने राशि का हाथ थाम लिया, मानो कोई शादीशुदा कपल हो। अब आप ही बताइए, भला ऐसे हाथों में हाथ डाले भला कौन चलता है? भाई हमने इतने सारे फिल्मी प्रमोशन देखे, लेकिन ये तो वाकई अलग ही था। क्यारा के फैंस सिद्धार्थ की इस हरकत से काफी नाराज दिखे। जाहिर है फिल्म में को स्टार होना अलग बात है और प्रमोशन में साथ जाना अलग। फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से जो होता है वो जायज होता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से ऐसा करना सिद्धार्थ को शोभा नहीं देता। और लगता है शायद राशि भी भूल गई है कि सिद्धार्थ उनके कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, जो पब्लिकली वो इस तरह से बिहेव कर रही हैं। जरूरी है सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर चलना? और सिद्धार्थ, उनकी क्या मजबूरी थी? राशि से हाथ छुड़ा सकते थे। हाँ ठीक है, माना फिल्म का नाम योद्धा है, लेकिन असल जिंदगी में योद्धा बनने की क्या जरूरत है? अभी क्यारा रानी लक्ष्मीबाई या फुलन देवी बन जाएंगी तो सारी योद्धागिरी निकल जाएगी। भाई अपने एक्शन के लिए तो सिद्धार्थ ट्रॉल हो गए, लेकिन क्या पता ये नेगेटिव पब्लिसिटी उनके लिए वरदान बन जाए। पिछली फिल्म तो उनकी कुछ खास नहीं चली, क्या पता ये कॉन्ट्रोवर्सी काम कर जाए और फिल्म चल जाए। फिलहाल तो ये फिल्म 15 मार्च को रिलीज होने वाली है और साथ ही क्यारा का गुस्सा भी फूटने वाला है। अब जो होगा हम आप तक खबर पहुंचा ही देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।